Everyone and welcome to today's class. I'm Dr. Neeti Rathore and I'm back again with another video lesson on environmental sciences. As you already know, we actually began unit 1 of environmental sciences from BTech course. ठीक है? इसमें हम last 3 topics पढ़ेंगे आज greenhouse effect. Basically हमें पढ़ना है global warming, acid rain and photochemical smog. ये last 3 topics हैं हमारे unit के. इसके बाद हमारा unit complete हो जाएगा. ठीक है? ये तीनों ही basically आउटकम है एयर पोल्यूशन के. एयर पोल्यूशन का ये बेसिकली इफेक्ट है ना, इसलिए हमें ये तीनों इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्मॉग टर्म है ये किससे बना है. स्मॉग टर्म इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मोक प्लस फॉग गिव्स स्मॉग. ठीक है, तो आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि फॉग पर, जब कोहरे पर पार्टिकुलेट मैटर स्मोक के पार्टिकल्स सेटल हो जाएं, तो उसे कहेंगे स्मोग. तो बेसिकली इट इज अ विजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. विजिबल कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि ये ब्राउनिश कलर का होता है, इसलिए दिखाई देता है हमें. ठीक है, कहाँ होता है? इट अकर्स इन हाईली मोटराइज्ड एरियाज. बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड, जहां ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में दिखता है. प्लस वहां पर टेम्परेचर कंडीशंस जो है, टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन प्रिवेल करती हैं एटमोस्फेयर में. ऐसी जगह पर देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल लॉस एंजलिस में ये बहुत देखने को मिलता है. अब बात करते हैं कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन क्या है, इसको समझते हैं पहले. नॉर्मल कंडीशन में अर्थ के जस्ट ऊपर जो एयर है वो वार्म रहती है, क्योंकि अर्थ जो है वो सनलाइट को रेडिएट करती है इसलिए, और उसके ऊपर का जो एयर है वो कोल्ड रहता है. ठीक, सो ये कन्वेक्शन साइकिल नॉर्मली चलती है. इससे क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, वो काफी ऊपर तक डिस्पर्स हो जाते हैं, है ना, और विंड से यहां वहां फैल जाते हैं. तो ये कंडीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो अर्थ के पास नहीं रहते हैं और तुरंत दूर जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं. लेकिन जब इन्वर्जन की कंडीशन होती है, तब जो कोल्ड एयर है वो वार्म के नीचे आ जाती है, वो बेसिकली ट्रैप हो जाती है वार्म एयर के नीचे. इस वजह से होता यह है कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स होने की बजाय लैंड के कांटेक्ट में रहते हैं बहुत लंबे समय तक. ठीक है, जब लैंड के कांटेक्ट में रहते हैं, विंड नहीं है वहां पर, स्टैग्नेंट एयर है, तो ये कहीं जा भी नहीं पाते हैं और ये बहुत ज्यादा फिर इफेक्ट कॉज करते हैं ऑन ह्यूमंस. ठीक है, तो जब ये सारी कंडीशन मिलती हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, तो बेसिकली बहुत ज्यादा पोल्यूशन, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट, तब बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग. तो सनलाइट के एक्शन से होता क्या है, VOCs एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो ऑटोमोबाइल से आते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, ओजोन, कुछ परोक्सीऑक्साइड नाइट्रेट बनाते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स बनाते हैं, और इस पूरे मिक्सचर को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं. देखने में ये ब्राउन कलर के धुएं जैसा दिखाई देता है, इट इज अ ब्राउन हेज अपीयरेंस देता है, ब्राउन हेज का. ठीक है, ये देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं VOCs एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शंस करके इतने सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर बनाते हैं. इसी मिक्सचर को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं. एक छोटा सा पिक्चर डायग्राम बनाया है, पिक्चर से आप समझ सकते हैं स्मॉग फॉर्मेशन. ये है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ये फोटोकेमिकल स्मॉग. ध्यान रखिए फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. इस मिक्सचर में ओजोन है, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. ठीक, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है ये. एक और पिक्चर से मैंने समझाने की कोशिश की है. देखिए ये बहुत सारा ट्रैफिक वाला एरिया है ना, वेहिक्यूलर इमिशन बहुत है यहाँ पे. तो यहाँ से आया नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOC. ये यहाँ पे तेज सन है, बहुत तेज धूप है, तो ये रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे ब्राउन फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग की कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं. अभी हमने डिस्कस करा ही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ओजोन है, एल्डिहाइड है,
अनरिएक्टेड कार्बन है, पार्टिकुलेट मैटर है और पैन है, ठीक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्मॉग, इसका वेरिएशन इन अ डे, कैसे जैसे जैसे सुबह होती है, सनराइज करता है, ट्रैफिक बढ़ता है रोड पर, वैसे वैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वीओसी आते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे धूप बहुत तेज होती है, सनलाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट पैन बनता है। तो पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। जब धूप तेज होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वीओसी के साथ और ये पैन बनाता है, तो पैन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और शाम होते होते कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और रात में बिल्कुल बंद हो जाती है, शाम होते होते कम और बिल्कुल बंद हो जाती है, मॉर्निंग में ये फिर से दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। ये देखिए अर्ली मॉर्निंग, ये देखिए अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक इंक्रीज करता है क्योंकि पीपल ड्राइव टू देयर वर्क, स्कूल बसेस आती हैं रोड पर, है ना, सभी लोग अपने अपने काम के जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वीओसीज का इमिशन जो है ये बढ़ता है। लेटर इन द मॉर्निंग ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वीओसीज ये आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अब जैसे जैसे सनलाइट बहुत इंटेंस होती जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट जाता है और बाय प्रोडक्ट बनाता है नोन एज ओजोन, तो इसलिए अब ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एट द सेम टाइम इसी वक्त जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है टॉक्सिक केमिकल लाइक पैन, पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट। अब जैसे जैसे सन कम होता है, सन गोज डाउन, इवनिंग होती है, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना बंद हो जाता है और जितना ओजोन एटमोस्फेयर में है वो कंज्यूम हो जाता है बाय सेवरल डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग का कलर जो है मैंने बताया ब्राउनिश कलर का हेज होता है। क्यों होता है ब्राउन कलर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये ब्राउन कलर का हेज होता है, ठीक है। पार्टिकुलेट जो बनते हैं और जो इसका ब्राउन कलर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ये दोनों मिलाकर एक डर्टी सा अपियरेंस देते हैं, एक स्मॉगी सा अपियरेंस, है ना, तो इसीलिए ये ब्राउन कलर का धुआं जैसा दिखाई देता है। ये देखिए लॉस एंजलिस का पिक्चर है नॉर्मल कंडीशन में और ये है फोटोकेमिकल स्मॉग की कंडीशन में। आप देख रहे हैं पूरा सिटी ब्राउन कलर के हेज से कवर हो गया है, इवन द बिल्डिंग्स आर नॉट विजिबल, तो इस तरह का दिखाई देता है एक शहर फोटोकेमिकल स्मॉग की कंडीशन के वक्त। अगेन दिस इज लॉस एंजलिस का एक और पिक्चर है, दिस इज पिक्चर ऑफ अगेन लॉस एंजलिस, सेंटियागो, लास वेगस। मैंने आपको बताया ना लॉस एंजलिस, सेंटियागो, लास वेगस, लंदन, ये सभी जो सिटीज हैं यहाँ ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में दिल्ली में और पंजाब में अक्सर दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ये एक जो हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है कि जब पूरी फसल को जब काट लेते हैं ना तो बाकी जो बचे हुए उनके वो रहते हैं रिमेन्स, उनको जला दिया जाता है ना, पूरा का पूरा खेत में आग लगा देते हैं, इससे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये जब मिल जाते हैं तेज धूप में इन्वर्जन की कंडीशन के साथ तो स्मॉग बनाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम रिएक्शन विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है। यूवी लाइट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये अपने हायर स्टेट में चला जाता है और अनस्टेबल हो जाता है। बेसिकली हायर एनर्जी स्टेट यानी बहुत ही हाई एनर्जी का स्टेट जो है वो हमेशा अनस्टेबल होता है, ठीक है, और ये तुरंत जो है वो लो एनर्जी के स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाता है और बना लेता है NO एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्विकली रिएक्ट करता है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और बनाता है ओजोन। ये रिएक्शन थर्ड बॉडी के प्रेजेंस में होती है, थर्ड बॉडी का काम है एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको स्टेबल बनाना ताकि ये रिएक्शन हो पाए। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है और रिएक्ट करता है ओजोन के साथ तो ये बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए इसकी रिएक्शन यहां मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसने यूवी लाइट एब्जॉर्ब करी और ये एक्साइटेड स्टेट में आया, ठीक। फिर ये टूट गया NO प्लस ऑक्सीजन में, यही हमने अभी पढ़ा है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है
ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना रहा है ओजोन, ठीक है। और फिर ये ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है NO2 एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बेसिकली जो NO2 है ना, इट बिहेव्स एज अ कैटेलिस्ट, ये एक कैटेलिस्ट के साथ तरह बिहेव करता है इस पूरे रिएक्शन में। प्रोबेबल मैकेनिज्म स्मॉग फॉर्मेशन का ये हो सकता है, जो रिलेटिव रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ओजोन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। और देखिए किस तरह से ये RCH2 अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, ये एल्डिहाइड बनाया है ना। तो इस तरह से ये इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो स्मॉग है। इस तरह के सारे रिएक्शंस होते हैं। मैंने बताया था एल्डिहाइड बनता है, ये देखिए एल्डिहाइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ये सारे VOCs हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये सब रिएक्शन करके इन सभी चीजों को बना रहे हैं, और इसी मिक्सचर को हम जानते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने लिया है ना। ये US ओजोन लिमिट्स बता रहे हैं यहाँ पे, और स्मॉग क्यों हार्मफुल है वो भी बताया गया है। देखिए ये ह्यूमन की पिक्चर है, और ये दिखाया है कि ये आईज की बर्निंग कॉज करता है, थ्रोट में बर्निंग कॉज करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्रिएट करता है, वीजिंग एंड कफिंग हो सकता है, अस्थमा अटैक आ सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है ना। और बहुत ज्यादा इनहेल करने से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं। बहुत ज्यादा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनहेल करने पे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है यहाँ पे इस कंडीशन में। यहाँ दिखाया कैसे ओजोन बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ना। अगेन ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है ना। फैक्ट्रीज से पार्टिकल्स आए, कार्स से प्राइमरी पोल्यूटेंट आए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC, सल्फर ऑक्साइड है ना। केमिकल रिएक्शन हुआ है इनका आपस में ये सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये बने फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ठीक, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये ऑक्सीडाइजिंग है इन नेचर, ये बात ध्यान रखिए। जो नॉर्मल स्मॉग होती है ना वो रिड्यूसिंग होती है इन नेचर, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग होती है। और ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है, स्पेशली फॉर ह्यूमंस, सभी लिविंग बींग्स के लिए, प्लांट्स एनिमल्स सबके लिए। ये आई इरिटेशन कॉज करती है, थ्रोट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट कैन कॉज डेथ आल्सो। हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल स्मॉग देख लेते हैं कि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं इनका क्या इफेक्ट होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्ट एंड लंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन जो होता है ना हमारे पास, उसको डिक्रीज कर देता है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आईज में इरिटेशन कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, और कुछ कंपाउंड्स तो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि लॉन्ग रन में ये कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कैंसर लॉन्ग रन में, क्योंकि आपको कई सालों बाद पता चलेगा कि आपको कैंसर हो गया है। अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन से कफिंग होती है, खांसी होती है, व्हीजिंग होती है, आई में इरिटेशन होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकती है, पर्टिकुलरली अस्थमा का प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है। परोक्सी असाइल नाइट्रेट कॉज करता है आई इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फोटोकेमिकल स्मॉग का एक बहुत ही फेमस किस्सा हुआ था 1952 में लंदन में, जिसको लंदन स्मॉग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर इन्वर्जन काफी ठंड थी वहां पर, काफी ठंड में टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन आ गया। बहुत ज्यादा वहां पे ठंड में कोल को बर्न करके और हीटिंग की जाती थी घरों में, ऑफिसेज में, तो उससे बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आए, एयर वहां की स्टैगनेंट हो गई है ना। इस तरह से पूरी कंडीशन बनी और फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन हुआ। और सुबह सुबह 9-10 बजे, 11-12 बजे के आसपास पूरा जो सिटी है वो ब्राउन कलर के फ्यूम से कवर हो गया, और ये कंडीशन करीब 5 दिन तक रही। हजारों लोगों की डेथ हुई इस दौरान। ये बहुत ही एक जाना माना एक ये किस्सा है, एक केस स्टडी है जिसको एनवायरनमेंट में पढ़ा जाता है। इसके बाद से तो काफी, इसके बाद भी काफी ऐसे केसेस हुए, इसके पहले भी केसेस हुए, लेकिन ये बहुत ही मेजर एक घटना थी, क्योंकि तो इसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई थी ह्यूमंस की। अभी हमने एक एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट का अलग से इफेक्ट देखा ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हम ओवरऑल फोटोकेमिकल स्मॉग का इफेक्ट भी देख लेते हैं। इट इज ऑलमोस्ट सेम, इट कॉजेज एलर्जीज एंड इरिटेशन टू आई, चेस्ट, नोज एंड थ्रोट।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग एंड कफिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दिक्कत होना। अस्थमा अटैक को ये ट्रिगर करता है। जो ऑलरेडी अस्थमेटिक हैं, जिन्हें ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इलनेस है, उन्हें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है। इट मे लीड टू डेथ। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जिन्हें जो नॉर्मल हेल्दी आदमी है, उसको भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, इसका रिस्क बढ़ जाता है। टेस्ट में पेन होता है वाइल इनहेलिंग। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम इफेक्ट देखें तो लीव्स पर एक लेयर बन जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिसरप्ट होता है, रुक जाता है। फिर ये प्लांट ग्रोथ को एडवर्सली इफेक्ट करता है, प्लांट्स की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, दे मे डाई। उनकी डिजीजेस के प्रति जो ससेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी जो इम्यून जो है ना, इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब ऐसा होता है तो इनको बीमारियां लग जाती हैं, दे अल्टीमेटली डाई। इट ऑल्सो ब्लीचेज द लीव्स। लीव को ब्लीच करता है यानी उसका ग्रीन कलर हटा देता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर देता है सेंसिटिव टिश्यूज को, और अल्टीमेटली प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स में जो जरूरी और बहुत सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। लेट्स सी व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्मोक स्मॉग फॉर्मेशन। वैसे तो हम बहुत ऐसे पढ़ रहे हैं, आप समझ ही चुके हैं, फिर भी स्मॉग फॉर्मेशन का जो मेन कारण है वो पहला है यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल कोल को जितना ज्यादा यूज किया जाता है, उतनी ही स्मॉग फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि ऑल्टरनेट फ्यूल यूज किया जाना चाहिए। सेकेंड है वहीकुलर एंड इंडस्ट्रियल इमिशन, ऑटोमोबाइल से आने वाला और इंडस्ट्री से आने वाला इमिशन। तीसरा कारण है ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, रिसोर्सेज का बहुत ओवर यूज होने की वजह से ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमोस्फेयर में आते हैं। फिर नेक्स्ट रीजन है एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा वेस्ट का प्रोड्यूस होना। अगेन ये रिलेटेड है टू ओवर पॉपुलेशन। इसके बाद है फायरवर्क्स, है ना, आतिशबाजियों का यूज। फिर है एग्रीकल्चरल बर्निंग। इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा एक ये एक तरह की एक प्रथा से बोल सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, बॉम्बे वो सॉरी पंजाब एंड चंडीगढ़ में, दिल्ली साइड में और भी सभी स्टेट्स में कल्टीवेशन के दौरान जब एक बार पूरी फसल कट जाती है, उसके बाद पूरे जंगल में आग लगा दी जाती है, पूरा बर्न कर दिया जाता है। इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन। ये प्रैक्टिस जो है इसको बंद किया जाना चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी इसका एक कॉज है, और नेचुरल कॉजेज तो है ही है ना। तो ये सभी कॉजेज हैं ऑफ स्मॉग फॉर्मेशन। नाउ हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड, स्मॉग फॉर्मेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ट्राई टू यूज व्हीकल्स एट मिनिमम लेवल एंड चेक द इंजन स्मोक एमिशन फ्रीक्वेंटली। जो व्हीकल से एग्जॉस्ट आ रहा है उसको रोकने के लिए तरीका ये है कि भाई मिनिमम आप कम से कम व्हीकल यूज करें। मैंने पहले ही बताया है एयर पोल्यूशन में कि कार पूलिंग करें, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए गाड़ियां ना उठाएं, पैदल जाएं, वॉक करें। इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, है ना। आजकल क्या करते हैं, हम लोगों की हैबिट हो गई है कि छोटा सा भी थोड़ा सा भी जाना है, हमने उठाई गाड़ी और चले गए। तो इट इज बेटर कि हम जो आसपास की जगह है वहां पर हम व्हीकल ना उठाएं, तो हम इमिशन भी को भी कम करेंगे, प्लस हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस इंजन को बीच बीच में मेंटेनेंस करना, उसको चेक करना, उसका इमिशन लेवल देखना। फिर हाई यूसेज ऑफ कोल्स विच रिजल्ट इन हैवी स्मॉग, प्रिवेंट करना हाई यूसेज ऑफ कोल का यूज को कम से कम करना बहुत जरूरी है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन ऑफ फ्यूम्स फ्रॉम मेटल वर्किंग एंड अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से जो फ्यूम्स आते हैं उनको रिड्यूस करना। जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोडक्शन के नॉर्म्स हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को बाय करना, प्रोड्यूस बाय लो और जीरो लेवल पोल्यूशन फैसिलिटीज। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को बाय करना, बेसिकली ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, ताकि लो या इवन जीरो लेवल की फैसिलिटीज हों। नेक्स्ट इज टू बाय बाय ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो जीरो या बिल्कुल लो पोल्यूशन फैसिलिटीज से प्रोड्यूस हुई है, उसको खरीदना, उसको यूज करना। पेस्टिसाइड्स के यूज को रिड्यूस करना, इससे भी हार्मफुल केमिकल्स आते हैं एनवायरनमेंट में।
इसके अलावा कंज्यूमर्स को वीओसी का इमिशन रिड्यूस करना चाहिए बाय अवॉइडिंग पेंट्स विद लेबल्स दैट क्लियरली इंडिकेट वीओसी लिमिट्स आर हाई। वीओसीज कहाँ से आते हैं आपको मालूम है? हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ लिया है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं घरों में, पेंट्स से जो हम क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए जो चीजें यूज करते हैं ना उनसे आता है। तो इसलिए हमें ऐसे पेंट्स को, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिस पर लिखा होता है क्लियरली कि इसमें वीओसी का लिमिट बहुत हाई है। ठीक है, ऑल्सो स्विचिंग टू वाटर बेस्ड पेंट्स इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। अगर हम वाटर बेस्ड पेंट्स को यूज करें तो ये और भी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन में जो पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके एमिशन को रिड्यूस करके फोटोकेमिकल स्मॉग की कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, सो आई होप दिस ऑल दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ विद दिस वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड आर दिस होल चैप्टर वन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। नाउ द चैप्टर इज स्मॉग। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट एटमोस्फेयर। ठीक है, आई होप कि आपको सभी कुछ क्लियर है। वैसे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा कुछ रहता नहीं है, आई शुडंट से दिस, बट द रियलिटी इज दिस ओनली। एनवायरनमेंट में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल और बहुत वैसा नहीं है जो आपको समझने में प्रॉब्लम आए। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, डू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई लेक्चर्स, माई वीडियो लेसन्स, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, टेक केयर, गुड बाय।